हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, इससे हम थोड़ा सा प्रेरित होते हैं कि अच्छी वीडियो आपको आप तक और पहुँचाएँ। तो आज मित्रों हम चर्चा करेंगे डीप रूप से, ज़्यादा से गहराई में जाकर कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। आज हम लोग पढ़ते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अच्छा, इसमें बहुत से वैज्ञानिक आए, तमाम प्रकार के अपने विचार सिद्धांत दिए। जैसे पहला सिद्धांत दिए स्थिति सिद्धांत, स्थिति सिद्धांत इसको दिए एलन गुथ ने दिया। फिर दूसरे वैज्ञानिक आए स्थिर अवस्था का सिद्धांत, इसको तीन वैज्ञानिक मिलकर दिए। जैसे पहले दिए गोल्ड, फिर बॉन्डे, फिर दिए गोल्ड बॉन्डे होयल, तीन वैज्ञानिक मिलकर दिए। फिर तीसरा सिद्धांत दिए दोलन सिद्धांत इसको दिए एडिंगटन ने, ये वैज्ञानिक एडिंगटन। लेकिन चौथा सिद्धांत दिए महाविस्फोट सिद्धांत, इसको दिए जॉर्ज लेमेत्र, पढ़ते हैं इसको मित्रों, जॉर्ज लेमेत्र भी पढ़ लेते हैं हिंदी में। ये चार सिद्धांत हैं, लेकिन इसमें से सबसे महत्वपूर्ण ये है, इसी को संज्ञा दी गई है। इन सभी को नकारा गया, सब गलत बताएं, अपने अपने आधार से बताएं। ये सबसे अभी यही प्रचलित भी है। अब इसको हम पढ़ते हैं महाविस्फोट सिद्धांत, इसी के बारे, इसी से पता चला कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ओके मित्रों, हम लोग महाविस्फोट सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं। महाविस्फोट सिद्धांत, इसको बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी। इसको सर्वप्रथम दिए मित्रों जिसे फ्रांस के वैज्ञानिक थे जॉर्ज लेमेत्र, इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड असीमित था उस समय। उन्होंने बताया कि एक बिंदु था, इतना था, एक परमाणविक संरचना के आकार का था। इसमें बताया कि इसके अंदर एक गुरुत्वाकर्षण, मतलब ब्लैक होल की भांति इसमें गुण व्याप्त था। इस बिंदु का नाम उन्होंने दिया विलक्षणता बिंदु इसका नाम दिया विलक्षणता बिंदु। अब इसके अंदर ब्लैक होल की स्थिति भी थी, मतलब हर चीज़ों को आकर्षित करने के लिए। तो इसने ये जो विलक्षणता बिंदु था, इसको इसके अंदर इतनी आकर्षित करने की क्षमता थी, प्रकाश कण भी आकर्षित कर सकता था, धूल कण, डार्क मैटर पदार्थ, कोई भी प्रकार का चीज़ था ये आकर्षित कर रहा था। जब आकर्षित कर रहा था, इसका निर्माण हो रहा था, मतलब जब एक कोई चीज़ ले लें, अगर उस पर भार लाते जाएँ तो उसका आकार बढ़ता जा रहा, मतलब इसकी आकार बढ़ गया। अब ये जो आकार बढ़ा, इसको बोला गया फायर बॉल, मतलब यह अग्निपिंड कह सकते हैं आकार। अब इसके अंदर और गुण व्याप्त हो गया, क्योंकि इसका भार बढ़ गया, इसके पास शक्ति ज़्यादा हो गई, इसने और बढ़ा और खींचा द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान बढ़ा। जब द्रव्यमान बढ़ा, इसका द्रव्यमान बढ़ा, तो इसमें आंतरिक घनत्व भी बढ़ा, ज़्यादा और बड़ा हो गया ये। और जब ये बड़ा हो गया तो एक इसकी ऐसी अवस्था आ जाएगी, क्योंकि यह एक क्रांतिक सीमा बोला जाता है, क्रांतिक सीमा तक पहुंच चुका। क्रांतिक सीमा का मतलब, जैसे मान लीजिए मित्रों, आपकी क्षमता है 50 केजी उठाने की,
आपको लादा गया 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, 50 आ गया। मान ली वही सीमा आपकी एकदम लास्ट सीमा थी, अब उससे अगर ज़्यादा ला देंगे तो आप सहन नहीं कर पाएंगे। तो इसी प्रकार ये क्रांतिक सीमा तक पहुँच चुका था। अब इस पर और भार बढ़ा, जब भार बढ़ा तो 13.8 बिलियन ईयर पूर्व की अवधारणा बताई। इतने समय यहाँ विस्फोट हुआ, जब विस्फोट हुआ तो इसके मैटर जो थे, जितना मैटर था उसका केवल 1% ही भाग बाहर निकल पाया। जब बाहर निकला तो इसमें खरबों खरब, जैसे जब ये बाहर निकले तो ऐसे राउंड होके सभी निकले, लेकिन कितना मैटर निकला, केवल 1% ही बाहर मैटर निकल पाया। जब निकले तो इसमें खरबों खरब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, निर्माण हुए। जैसे ब्रह्मांड का मतलब है कि कई आकाश गंगाओं से मिलकर बना होता है, उसे ब्रह्मांड कहते हैं। तो खरबों खरब ब्रह्मांड बने, खरबों खरब ब्रह्मांड बने, लेकिन उन ब्रह्मांड की दूरी नियत थी। क्योंकि जैसे मान लीजिए एक आकाश गंगा, दो आकाश गंगा, ऐसे कई आकाश गंगाओं से मिलकर ब्रह्मांड बना। अब इसकी दूरी नियत थी, क्योंकि इसमें जो आकर्षण करने की क्षमता थी वो बांध के रखे थे, ये अपने तरफ खींच रहा है अपने तरफ, तो दोनों इक्वल रहे हैं। तो इनकी दूरी नियत थी, नियत ही रही। अब ये जो आकाश गंगाएं हैं ब्रह्मांड का निर्माण कर लिए, अब कोई आकाश गंगा ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहा है। ओके मित्रों, ब्रह्मांड का चक्कर लगाया। अब ये आकाश गंगा जो है किससे मिलकर बनी होगी, कई तारों से मिलकर बनी होगी। कई तारे मतलब जैसे ये आकाश एक ब्रह्मांड है और कई ब्रह्मांड निर्मित हुए थे। अब ब्रह्मांड का चक्कर आकाश गंगा लगा रही है, आकाश गंगा का चक्कर तारा मंडल, क्योंकि कई तारामंडल मिलके एक आकाश गंगा का निर्माण करते हैं, तो तारामंडल इसका चक्कर लगा रहे हैं। ओके मित्रों, ये मतलब ये आकाश गंगाएं हैं, इसका निर्माण किससे हो गया, ये ब्रह्मांड है पूरा, इसको उठा लेती आकाश गंगा, आकाश गंगा में कई तारे रहे होंगे, ये सब तारे हमारे, तो इसका चक्कर लगा रहे हैं। ओके मित्रों, इतना समझ में आया, तो इसका चक्कर लगा रहे हैं, समझ में आया। अब देखिए आगे, अब अगर जैसे एक गैलेक्सी उठाएं, आकाश गंगा या आकाश गंगा है, आकाश गंगा पहले देखा गया कि इसकी 3 ही घूर्णन परिधि थी, लेकिन अब शोधों के अनुसार पता चला कि हर जगह पर 4 घूर्णन परिधियां पाई गई। मतलब अगर देखें तो बनाए कैसे, मान लीजिए देखिए 1, 2, 3, 4, मतलब इसको जिस दिशा से गिनेंगे 4 मिलेगी, 1, 2, 3, 4, इधर गिनते 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। इसमें सूरज हमारा तीसरी परिधि पर अवस्थित है। ओके मित्रों, जब आकाश गंगा बनी तो सूरज का निर्माण हुआ होगा। अब जो सूरज है इसके, ये सूरज हम बाहर निकाल लेते हैं, मान लेते हैं सूरज है, सूरज इसके चारों तरफ कुछ धूल कण घूम रहे थे, आकर्षित हैं। जब धूलकण घूम रहे थे तो इसमें एक नाभिक का विकास हुआ, नाभिक का विकास हुआ, नाभिक का इसमें विकास हुआ। जब नाभिक का विकास हुआ, नाभिक के सहारे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो खींच रहा, तो घूम रहे थे इसमें। फिर जब विस्फोट थोड़ा सा हुआ, पूरा इस तरीके विस्फोट नहीं हुआ, महाविस्फोट तरीके, इसमें जब खींच रहे घूम रहे थे तो किसका निर्माण हो रहा था, ग्रहों का निर्माण हो रहा था मित्रों। ओके, तो ग्रह इसी धूल कण गैस कण से मिलकर बने हैं ग्रह। ओके मित्रों, अब देखिए ये सूरज है, सूरज इसका चक्कर लगा रहा है, और सब सभी चक्करों को मिलाकर बोला गया गैलेक्टिकल गति कहा गया इसे, गैलेक्टिकल गति। ओके, सभी जो चक्कर लगा रहे हैं, तो ब्रह्मांड असीमित है, अब फैल रहा है। फैलने का मतलब मान लीजिए एक क्वाइल है, एक क्वाइल मतलब जो मोटीन होती है उसी को अगर मान लीजिए, ये देखिए यहाँ पे सूरज है, इसके बगल बगल सभी ग्रह हैं, उपग्रह, नक्षत्र, सूर्य, तारे, सभी प्रकार के हैं। तब ये जैसे मोटीन है, अगर ये देखा जाए, अगर मोटीन को घुमाएंगे जब, तो पूरी अवस्था उसकी नाचेगी। मतलब ये भी गति कर रहा है, ये भी गति कर रहा है, ये ब्रह्मांड की गति का चक्कर लगा रहा है, ये सूरज इसकी इसका चक्कर लगा रहा है, प्रतिमा कर रहा है, लेकिन जो ग्रह हैं सूरज चक्कर लगा रहे हैं। ओके मित्रों, अब देखते हैं सूरज कैसे बना होगा। तो सूरज
उससे पहले थोड़ा सा बता दें, जैसे महाविस्फोट सिद्धांत हुआ, इसको जूनो मिशन ने, जूनो मिशन इसको प्रमाणित किया, सिद्ध किया, हाँ ये ठीक है। लेकिन जो सिद्धांत दिया गया सब सिद्ध, इस जूनो मिशन ने बताया हाँ ये सत्यापित हुआ, सही बात हुई। और फिर इसके बाद आए वेगनर, सॉरी मित्रों वेगनर नहीं, फ्रेंच के वैज्ञानिक 1978 में सिद्ध किए हाँ ये बात सत्य है। हब्बल ने बताया 1920 में, ये प्रमाणित किए कि बात सही, इसीलिए इनका सर्वमान सिद्धांत माना गया। अब इसकी महाविस्फोट सिद्धांत के लिए एक मिशन है जो परमाणु शोध संस्थान है, परमाणु शोध संस्थान जो फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा के समीप जिनेवा में इसका प्रयोग किया गया। प्रयोग उन्होंने क्या किया, जैसे उच्च ताप के प्रोटानों फोटानों को टक्कर कराई गई, जब टक्कर कराई गई तो उसमें यही अवस्था देखी गई, उच्च तापमान पर टक्कर कराई गई तो अवस्था पैदा हुई, और जब पैदा हुई जो कण बना था उसका नाम बताया गया हिग्स बोसान कण, ये नाम दिया गया। ये नाम किस पे पड़ा, जैसे भारत का वैज्ञानिक है स्वतंत्र नाथ बोस, ये भारत के वैज्ञानिक हैं, और ब्रिटेन के वैज्ञानिक पीटर हिग्स, इन्हीं दोनों वैज्ञानिकों के नाम कर मिलाकर हिग्स बोसान किया गया। ओके मित्रों, हम लोग आते हैं सूर्य की संरचना बनाते हैं, कैसे बनती है सूर्य। सूर्य जानने के लिए पहले निहारिका को समझना पड़ेगा। निहारिका मतलब क्या, नेबुला जिसको बोलते हैं, निहारिका ये जो निहारिका है एक प्रकार का धूल कण जो वृत्तीय बल से बंधे हुए हैं, धूल कण गैस कण हैं, इसका नेम नेबुला भी है। नेबुला एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कुहासा या मिस्ट, ये इसी का अर्थ है। अब ये नेबुला जो है वृत्तीय आकर्षण बल के कारण धूल कण गैस कण कुछ पदार्थ ऐसे थे जो बंधे हुए थे, ये अपने आप से प्रज्वलित नहीं होते, ये किसी तारे से प्रज्वलित होते हैं। तो ये जो धूल कण गैस कण मिले हैं इसमें संघट पैदा हुआ, जब संघट पैदा हुआ तो उसमें असीम उष्मा ऊर्जा उत्पन्न हुई, असीम ऊर्जा उत्पन्न हुई। ये नेबुला था, नेबुला मतलब धूल कण से बनी हुई आकृति को नेबुला कहा, निहारिका नेबुला कहा जाता। अब इसमें जब ज़्यादा डार्क मैटर आया तो इसमें क्या हुआ, संघट हुआ पदार्थ को, जो छोटे छोटे मैटर थे संघट हुआ, तो क्या हुआ जब असीम ऊर्जा की प्राप्ति हुई, तो इसमें प्रज्वलित मतलब ज्वलनशील पैदा हो गया, इसमें अगर देखा जाए मतलब प्रकाशित होने लगा, जब प्रकाशित होने लगा तो क्या हो गया, सूरज का निर्माण हो गया, मान लीजिए हो ही गया, क्योंकि वो जब प्रकाशित हो गया तो प्रकाश दिखने लगा, वही सूरज है। अब सूरज की ऊपरी सतह का तापमान आपको मित्रों पता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, सूरज का प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट 20 सेकंड में सूरज का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है। ओके मित्रों, इतना समझ में आया। अच्छा, जैसा कि थोड़ा सा हमारा ऐसा व्यक्तिगत विचार ही है जो सभी के लिए लाभदायक होगा, मित्रों अगर आप रोड पर चलते हैं सड़क पर चलते हैं जो बीच बीच में लाइटें बनी हुई हैं रेड लाइट ग्रीन होती है उसको आप थोड़ा सा पालन करते हुए चलाइए, क्योंकि आपके सुविधा के लिए ये सब बनी होती है। ओके मित्रों, आज के लिए इतना ही, लेकिन अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती हो ज़्यादा से लाइक करें सब्सक्राइब करें, उसको पूरी वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखा करें, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आपको बने तो आप कमेंट से हमसे पूछ सकते हैं। ओके मित्रों, थैंक यू।